हाय एवरीवन, यूपीपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट का आज 22 फेब को फर्स्ट शिफ्ट हो चुका है और मेरे पास क्वेश्चन भी आए हुए हैं कि मतलब किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था, जिनका भी 24 और 25 फेब को एग्जामिनेशन है वो ज़रूर से सुने। और जो भी टॉपिक मैं अभी बता रही हूँ जिनका भी आज एग्ज़ाम था, उनको लगता है कि कुछ और भी इसमें पूछा गया था वो आप ज़रूर से बताइएगा ताकि बाकी स्टूडेंट को इससे हेल्प मिले। और इसमें से कुछ टॉपिक नहीं आए थे वो भी आप बता सकते हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, ठीक है। मैथ्स से क्वेश्चन आया था, प्रॉफिट एंड लॉस से, परसेंटेज से, टाइम एंड वर्क से, वॉल्यूम से और कंपाउंड इंटरेस्ट से, ठीक है। ये टॉपिक आप नोट डाउन करिए और यहाँ से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। कंप्यूटर में एक्सेल से क्वेश्चन पूछा गया था और काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछे गए थे, एक्सेल और विंडोज 7 से क्वेश्चन आए हुए थे। और आपके इंग्लिश में वर्ड पावर पूछे गए थे, ठीक है, 6 से 7 क्वेश्चन पूछा गया था वर्ड पावर का। स्पॉटिंग एरर पूछे गए हैं, ठीक है, आपके स्पॉटिंग एरर से क्वेश्चन आया हुआ है। नरेशन से क्वेश्चन है, नरेशन वॉइस से। इनकम टैक्स में क्वेश्चन जो है वो काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछा गया है, सेक्शन में, सेक्शन आपका 204 पूछा गया था, 206, 192, 210, ठीक है, 210। तो आप नोट डाउन करते चलिए और जिनको लगता है कि क्वेश्चन और भी कुछ आया था तो वो आप बता सकते हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाते रहती हूँ, ठीक है। और जनरल हिंदी में आपके करेक्शन ऑफ सेंटेंस था, मतलब वाक्य शुद्धि से पूछा गया था हिंदी में। दुर्गत का संधि विच्छेद पूछा गया था, दुर्गत का, और समास पूछा गया था चंद्रशेखर का। इंग्लिश में आपके एप्रिशिएट वर्ड थे सेंटेंस वाले। मैथ्स आपके कैलकुलेशन वाले मैथ्स पूछे गए थे। ऑडिटिंग, ये बता रहे हैं कि ऑडिटिंग का क्वेश्चन टफ आया हुआ था, ठीक है, कौन से क्वेश्चन आए हुए थे वो उन्होंने नहीं बताया, बस बोला था कि टफ क्वेश्चन था। वर्ड पावर में बता रहे हैं कि 6 अप्रॉक्स थे वर्ड पावर्स। और कंप्यूटर इजी था, कंप्यूटर जैसे मैं बेसिक टाइप के क्वेश्चन आपको करा भी रही थी, काफ़ी लोग बोल रहे थे कि इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो ओ लेवल के भी जो क्वेश्चन होते हैं ना वो बेसिक सी लैंग्वेज में, ये सब थोड़े बेसिक टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल बेसिक वाला क्वेश्चन था। और ये बता रहे हैं कि जो कंप्यूटर का क्वेश्चन था वो बिल्कुल लूसेंट टाइप का, यानी लूसेंट की कंप्यूटर की बुक अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके लिए यूजफुल साबित हो सकता है, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन थे। मैथ्स मैंने आपको बता दिया कि कैलकुलेटिव था, और हिंदी भी मैंने आपको बता दिया। अकाउंटिंग में आपके ट्रायल बैलेंस, ये बता रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस से क्वेश्चन था, डिप्रिशिएशन था, न्यूमेरिकल थे, न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया कि जब तक आपको इक्वेशन याद नहीं होगा, जब तक आपको समीकरण याद नहीं होगा, आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने स्पेशली अभी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया हुआ था जिसमें कि सारे ही इक्वेशन है, अगर वो इक्वेशन आपको समीकरण याद हो गया तो आप न्यूमेरिकल बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे इनके क्वेश्चन थे, बस इतना ही क्वेश्चन था। तो सारी मैंने आपको बता दिया कि मैथ से किस टॉपिक से पूछे गए थे, इंग्लिश में क्या पूछा गया था, सेंटेंस एरर था, एरर डिटेक्शन था, आपके वर्ड पावर से क्वेश्चंस थे, और आपके नरेशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वॉइस से। कंप्यूटर भी मैंने आपको बता दिया, जनरल हिंदी भी वाक्य शुद्धि पूछा गया था, इनको जितना याद था उन्होंने बता दिया है। बट आप अगर देने गए थे और आपको कुछ क्वेश्चन याद आ रहे हैं तो आप ज़रूर से बताइएगा। तो ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था और ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा, जो भी टॉपिक मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है उस पर आप ज़रूर से मेहनत करें, उस पर काम करें, नेक्स्ट शिफ्ट भी हो सकता है कि वैसे ही हो।